plane mirror is placed at origin parallel to y axis facing the positive x direction, x axis. And object start 2 meter comma 0 comma 0. Object dikh rahe? Yes, sir. With velocity 2y plus 2j. तो अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2i कैप प्लस 2j कैप है तो पहले सोचो इमेज बनेगा कहां पर. अगर ऑब्जेक्ट 2 मीटर पे तो इमेज कहां पर होगी? सर -2 मीटर पे. -2 मीटर पर लेफ्ट साइड में बन जाएगी. हां जी. अब इस ऑब्जेक्ट की मुझे दो वेलोसिटी दिख रही है, एक 2i कैप और एक 2j कैप. यस सर. तो जो वेलोसिटी मिरर के पैरेलल है उस पे कोई इफेक्ट नहीं आता. ध्यान दिया मैंने क्या बोला? हाँ जी. तो क्या ऑब्जेक्ट के पास 2j कैप है? यस सर. तो इमेज की वेलोसिटी भी 2j कैप हो जाएगी. यस सर. अब ऑब्जेक्ट क्या राइट में जा रहा है 2i कैप से? यस सर. तो इमेज लेफ्ट में जाएगी -2i कैप से. हाँ जी सर. ये लॉजिकल लगा? -2i कैप क्यों बोला मैंने? यस सर. आ गया. तो क्वेश्चन पूछा था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. तो इसका फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. अब तो आंसर आ जाना चाहिए इसका. तो -4 आएगा. -4 है क्या? परफेक्ट. इस क्वेश्चन की लर्निंग ये है कि जो वेलोसिटी हमारी मिरर के पैरेलल है उस पे क्या इफेक्ट आता है? उस पे कोई इफेक्ट नहीं आता. बढ़िया. और जो वेलोसिटी मिरर से अवे जा रही है, अगर ऑब्जेक्ट मिरर से अवे जा रहा है तो क्या इमेज भी मिरर से अवे जाएगी? यस सर. बढ़िया. तो यही इस क्वेश्चन की लर्निंग है. ठीक है. यस सर. ठीक है. 23 ट्राई कर सकते हैं. यस सर. इजी क्वेश्चन लग रहा है. एफ हमारा कितना है? फोकल लेंथ सर 80 सेंटीमीटर. सो उससे कम. प्लस 80 माइनस 80. माइनस 80. बढ़िया. 70 सेंटीमीटर क्या है? सर वी. हाँ वी इज प्लस 70. यस सर. एक बात है, 1/v + 1/u = 1/f लगाओ. ओके सर.
आया सौ किलो बेटा कुछ? यस सर, माइनस 37 आ गया। बहुत बढ़िया। अब देखो मैंने ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या हमारा फोकल लेंथ माइनस 80 थी? यस सर, माइनस। और इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है, इसका मतलब पक्का ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा। यस सर, तो बी एंड सी तो नहीं हो सकता, ए एंड डी में से था। ए और डी में से होगा, तो इसका मतलब मैंने इंटेंशनली बी और सी ऑप्शन बनाया, राइट? यस सर। इसका मतलब जब क्वेश्चन बनाया जाता है तो उसके ऑप्शन भी फ्रेम करते हैं क्या?